नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये जो है इप्सन L1800 प्रिंटर है, L1800 प्रिंटर। इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे अभी दिखा रहा है। फ्रेंड्स, गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको इप्सन L1800 जो है कि लिख के यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे और L1800 ड्राइवर, ओके। क्योंकि हमें यहाँ पे जो है कि इस प्रिंटर को इंस्टॉल करना है L1800 को, तो यहाँ पे जस्ट ड्राइवर लिख के सर्च करना होगा। तो यहाँ हम लोग सर्च करते हैं और देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे आपका ऑफिशियल वेबसाइट देखेगा इप्सन का। इसको क्लिक करके हम लोग इसका वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा आपको, पहले आप अपना सिस्टम का देख लीजिएगा कितना बिट का सॉफ्ट मतलब विंडोज़ है। विंडोज़ 7 जैसे यहाँ हमारा है, और विंडोज़ 7 का कितना बिट है उसके लिए इस पीसी में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में गए और यहाँ देखिए ये जो है 32 बिट है। तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम अपना हिसाब से सेट कर लेना होगा, ये सबसे पहले देखना होगा फ्रेंड। उसके बाद गो करना है, उसके बाद जस्ट ये जो डाउनलोड दिख रहा है फ्रेंड्स, इसको हम लोग क्लिक करेंगे और नीचे देखिए ड्राइवर्स, इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा आपका। देखिए यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ से इसे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, इसका जो है कि आ जाएगा, यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा, एक्सेप्ट एग्रीमेंट हो और जो है कि आपका स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड। फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। और रेड लाइट ब्लिंकिंग के लिए फ्रेंड्स किसी भी टाइम हमारे साथ कॉन्टैक्ट करके अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो है कि हाँ, हमारा जो है कि कॉन्टैक्ट नंबर मेरे चैनल का जो है कि अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है कि मेरे से कॉन्टैक्ट नंबर लेके कॉल कर सकते हैं। यहाँ देखिए जो डाउनलोड हो गया है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे रन आएगा फ्रेंड्स, रन करना है और रन करने के बाद यहाँ पे जस्ट ओके करेंगे। जैसे यहाँ पे ओके करते फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर से ओके आएगा एक, और ओके आने के बाद यहाँ पे जो है कि इसको एक्सेप्ट एग्री करके जो है कि ओके करना है। तो ओके करने के बाद फ्रेंड्स जो है कि मेरा इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे मेरा इंस्टॉलेशन हो जाता है, इसके आगे के प्रोसेस हम लोग अभी जो है कि आप लोग को दिखाने वाले हैं। ये बहुत अच्छा से मतलब जो कि यहाँ पे हम दिखा रहे हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप, अगर आप देखते हैं तो इजीली अपना प्रिंटर का जो कि इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए जिनको आता है कोई दिक्कत नहीं, बट जो न्यूली लिए हैं या नहीं जानते उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया और जस्ट अभी जो कि यहाँ पे ओके करना है और अभी हम लोग जो कि प्रिंटर का स्टेटस चेक करेंगे। स्टार्ट में जाने के बाद डिवाइस एंड प्रिंटर में जाके तो यहाँ देखिए प्रिंटर का जो है कि शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर मिल जाएगा नए वीडियो साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।